आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में तो देखिए आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं आपके लिए मॉक टेस्ट ट्वेल्व इसके पहले इलेवन मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है अभी आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं ओके तो इसमें जो है हम हंड्रेड क्वेश्चन लेके आते हैं और हंड्रेड क्वेश्चन का ये टेस्ट होता है तो इससे आप अपने आप को अनोलाइज़ कर सकते हैं कैसे कि आपकी प्रेपरेशनस हैं इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट जो हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स में सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं है ना तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी कैसी क्या प्रेपरेशन है क्योंकि बहुत सारा हमने पढ़ रखा है अभी है ना तो अभी थोड़ा सा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है और इनके थ्रू हमारा आ, जो है क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाते हैं थोड़े से टाइम में ओके तो जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होने हैं हमारे स्टेट और तो सेंट्रल लेवल के है ना डिफरेंट डिफरेंट सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये मॉक टेस्ट और इनके जो क्वेश्चन हैं एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड कराए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज प्ले बनी हुई है और एक फाइव थाउजेंड एम की सीरीज़ है उसमें भी इनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा ओके तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप, आप लोग चैनल पर नए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल सके है ना और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिटिक्स के एग्जाम्स हैं उनके लिए क्रैश कोर्स भी मैंने चला के रखा है मेरी वेबसाइट पे तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी है ना तो देखो क्वेश्चन क्या है तो देखना कितना क्या कि आपका स्कोर रहता है तो 80 प्लस स्कोर तो होना चाहिए इससे पता लगेगा आपकी कितनी मतलब कि 80 प्लस है तो आपकी बढ़िया बहुत ही बढ़िया प्रेपरेशन है ओके तो देखो भाई क्वेश्चन क्या विच शुगर गिव आ पॉजिटिव सेलिवन ऑफ टेस्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज माल्टोज है ना तो पॉजिटिव सेलिवन ऑफ टेस्ट कौन सा शुगर देता है तो आंसर है इसका फ्रक्टोज ऑप्शन बी नेक्स्ट है सुक्रोज द डाई विच इज मेड अप ऑफ़ सुक्रोज डाइसेकराइड है किस किस से मिलके बना है एल्फा टी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गलेक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज या अल्फा बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज तो आंसर है इसका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज होता है मैं बीच विटामिन है? रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर फोलिक एसिड बायोटिन पेंटोथेनिक एसिड या राइबोफ्लेविन टेरिडिन रिंग होता है हमारे फोलिक एसिड में ऑप्शन ए नेक्स्ट है अलोंग विद आइसोनिया जिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टी बी पेशेंट्स राइबोफ्लेविन पारिडोक्सिन नासिन साइनोकोबालमिन आंसर है ऑप्शन टू हो जाएगा पायरेडोक्सिन है ना नेक्स्ट एट एसिडिक पीएच अमीनो एसिड इज इन अनाइनिक फॉर्म इन कटाइनिक फॉर्म इन ज्विटर आयन फॉर्म या इन सोल्ट फॉर्म आंसर इज ऑप्शन बी एसिडिक पीएच पर अमीनो एसिड इज इन कटाइनिक फॉर्म निज एक्वाशियोर कार इज मैनिफेस्टेडरी डेफिशंसी ऑफ लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स या विटामिन आंसर क्या है प्रोटीन्स ऑप्शन सी नेक्स्ट है डैश पार्टिसिपेट इन द रेप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। है ना डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज बीटा डीएनए पॉलीमरेज गामा या डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आंसर क्या है ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेज बीटा पार्टिसिपेट करता है इन द रेप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एन एच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कौन सा सही है डी एन ए इज डी ऑक्सीड राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड इज शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट तो कौन सा ट्रू है या फिर सारे ही ट्रू है आंसर इज ऑप्शन ई मतलब कि सारी बातें सही लिखी हुई हैं ओके okay? ज डिजीज अकॉर्डिंग टू डिफेक्ट इन बीटा ग्लूकोसिडेज बीटा गलेक्टोसिडेज स्विंगोमाइलिन मेटाबोलिज्मोज है अमिनीज ए आंसर क्या है क्रैबेज डिजीज अकॉर्ड टू डिफेक्ट इन ऑप्शन बी बीटा गलेक्टोसिडेज नेक्स्ट गोचर डिजीज अकॉर्डिंग टू द डिफिशंसी ऑफ सिरािडेज हैगजोज अमिनीडेज स्विंगोमाइलिनेज या बीटा ग्लूकोसिडेज आंसर क्या है ऑप्शन डी बीटा ग्लूकोसिडेज नेक्स्ट है एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बाय एटम एलिमिनेशन कंसेप्ट आर कॉल्ड लाइज ट्रांसफ्रेज लाइगेज आइसोमरीज है ना तो कौन से एंजाइम्स होते हैं ये हमारे लाइज होते हैं कौन से लाइज होते हैं तो ये क्या करते हैं इन्वॉल्व इन द क्लीवेज क्लीवेज कराते हैं कार्बन कार्बन बोन्ड को क्लीव कराते हैं बाय एटम एलिमिनेशन कंसेप्ट ओके नेक्स्ट है एंजाइम क्लास दैट कर्टेलाइज कार्बन नाइट्रोजन बोंड क्लीवेज कार्बन नाइट्रोजन बोंड क्लीवेज कर्टेलाइज कराएंगे लाइज लाइगेज हाइड्रोलेज ट्रांसफरेज तो वही है ये लाइज ही होते हैं है ना ऑप्शन ए नेक्स्ट है ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज और फान ड्रग्स रेयर ड्रग्स ओवर द काउंटर ड्रग्स एमरजेंसी ड्रग्स ड्रग्स यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज ऑरफन ड्रग ऑप्शन ए एक्स इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं दैट आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस डेट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज दैट सेटिसफाई प्रायरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन या दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट आंसर क्या है दैट सेटिसफाइ प्रायरटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन ये हमारी इसेंशियल मेडिसिन होती हैं जैसे एंटीकोलिनर्जिक यूज एस ब्रोंकोडाइलेटर ऐसा कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है जो ब्रोंकोडाइलेटर होता है पिलोकार्पिन इपराट्रोपियम प्राजोसिन सालब्यूटाम ये होता है हमारा अपराट्रोपियम ब्रोमाइडोटायोट्रोपियम ब्रोमाइड ऑप्शन बी जैसे सेलेक्टिव बीटा टू ब्रोंकोडाइलेटर यूज

Next which antihistaminic is now withdrawn from the market due to its cardiac toxicity terfenadine fexofenadine cetirizine loratadine answer is option a terfenadine next question An example of expectorant is dextromethorphan folcodine, ethyl ethylmorphine guaifenesin example of expectorant is option d guaifenesin नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू साल बुटामोल इज अ हाईली सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट नेक्स्ट ऑप्शन है मसल ट्रेमर्स आर द डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल बूटामोल बोथ या नन कौन सा ट्रू है ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव इज प्रोजेस्टिरोन डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसिडेट इथिस्टिरोन या नन आंसर इज ऑप्शन बी डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसिटेट नेक्स ए मिलानोसाइड स्टिम्युलेटिंग हारमोन इज सिक्रिएटेड बाई एंटीरियर लोब ऑफ पिचुट्री इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिचुट्री एड्रिनल कोटेक्स ए पोस्टीरियर लोब ऑफ पिचुट्री आंसर इज ऑप्शन बी मिलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हारमोन इज सिक्रिएटेड बाय इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिचुट्री विच ड्रग इज अ डाई यूरेटिक फिर प्रोकेन लेटेना ऑक्सीमेटाजोलिन डायूरेटिक है हमारा कौन सा ऑप्शन ए ए हो जाएगा फ्यूरोसिमाइड नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ असमोटिक डायूरेटिक अंडरगो लिमिटेड रीअबॉर्बशन बाय द रिनल टिब्यूल आर रिलेटिवली इनर्ट फार्माकोलॉजिकली दे इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस नॉट प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है आंसर इज ऑप्शन सी दे इनिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेज तो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनिबिट नहीं कराते हैं ना नोट में ऑप्शन सी आ गया नेक्स्ट द प्रेफर ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइटस एपिलेप्टज आई वी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इथोसक्सीमाइड सोडियम वॉल प्रोड डायाजिपाम क्लोर प्रोमाजिन आंसर इज ऑप्शन सी डायाजिपाम प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइटस ऑपिलेप्टिकस इज आई वी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायाजिपाम कर स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑफ ड्रग इन ट्रीटमेंट पार्क इंक्लूड लिवरों पर द दिन ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन इज डोपिन ब्रोमोक्रिप्ट एगोनिटेट डोपामिन एमेंटेड इन एक्ट बाई स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट या ओल करेक्ट कौन सा है सारी बातें करेक्ट है ऑप्शन डी हो गया है ना नेक्स्ट क्वेश्चन वैटामिन के इज इसेंशियल फॉर द देंथिस ऑफ फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट फैक्टर नाइन टेन थ्री या टू आंसर इज ऑप्शन सी एक्सेप्ट पूछा है फैक्टर थ्री होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वन अम्ग द फॉलोइंग ड्रग इज ए वाइटामिन के एंटागोनिस्ट एंटीक्ट हिपैरिन वॉर्फरिन इनोक्सापेरिन डेल्टिपेरिन आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन के एंटागनिस्ट एंटीकुलेंट इज वारफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन पोन्स सैरीब्रम बैलम मेडुला ओब्लोंगाटा वॉमिटिंग सेंटर ऑप्शन डी मेडुला ओब्लोंगाटा में है नेक्स्ट एमेटिक्स स्टिमुलेट कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन लंग्स ब्रोंक्यूल्स ट्रैकिया आंसर इज ऑप्शन ए एमेटिक्स स्टिमुलेट कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन नेक्स्ट है डैश आर द फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स यूज मेनली इन सीरियस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग सेप्टीसीमिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन सिंपल पूजा है सिफाजोलिन सिफिम सिफ्टज सिफोटाक्सिम आंसर इज ऑप्शन टू हो जाएगा सिफिम और सिफपिरोम दो होते ना फोर्थ जनरेशन में

पार्टिकल सेटल स्लोली पार्टिकल फॉर्म अ नेटवर्क इट इज ईजी टू डिस नॉट करेक्ट पूछा है आंसर इज ऑप्शन बी पार्टिकल सेटल स्लोली दिस इज इन करेक्ट ओके नेक्स्ट विच इज नॉट करेक्ट फॉर डी फ्लोकलेटेड सस्पेंशन के बारे में नॉट करेक्ट करेक्ट पूछा है चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर पार्टिकल सेटल फास्ट पार्टिकल प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट A sediment is difficult to redisperse. Not correct for deflocculated. Answer is option B particles settle fast. This is not correct for deflocculated suspension. Next, in flocculated suspension, the floccules stick to the side of the bottle. Sediment is very closely packed. Sediment is slowly formed. Supernatant liquid is not clear. फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बात हो रही है आंसर इज ऑप्शन ए इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फ्लोक्यूल टू द साइड ऑफ द ओके नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ वन नंबर एम जी थ्री हंड्रेड एम जी फोर फिफ्टी या सिक्स फिफ्टी एम जी तो आंसर है इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी थ्री हंड्रेड एम जी नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज़ यूज टू इंक्रीज द बल्क वैंड प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज़ वेरी स्मॉल इन क्वान्टिटी ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट बाइंड डाइलुएंट आंसर इज ऑप्शन डी डायलुएंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रू फॉर ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टरिलाइजेशन के बारे में कौन सा नोट रू मतलब कि सही नहीं है देखो लो भाई ऑप्शन यूजअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फॉर टू आर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम्स इज इफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इसल सेल कॉन्टेंट्स द मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटीरियल्स दिस मैथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स नॉट ट्रू कौन सा है तो भाई इसका जो है ऑप्शन सी ही गलत है दिस मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स के लिए क्या लिख रखा है कि नहीं होता बट पाउडर्स और ऑयली मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं है ना तो ऑप्शन सी हो गया आपका गलत नहीं द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज सोलवेंट फॉर्म एल्कोलॉइड्स सुक्रोज वैक्स या गम्स आंसर क्या है हमारा एल्कलॉइड्स के लिए होता है सोलवेंट इथेनॉल नेक्स्ट है कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजिस फॉर्म लिक्विड डोजिस फॉर्म गैस या सेमी सोलिड या सोलड आंसर इज ऑप्शन डी कैप्सूल होते हैं सॉलिड डोस फॉर्म्स में ऑप्शन डी नेक्स्ट रोल ऑफ डेंटल आर टू फिल कैविटीज कोटिंग ऑफ टीथ पॉलिशन क्लीन टीथ या प्रोटेक्टिंग टीथ आंसर इज ऑप्शन सी रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिवज आर पॉलिशन क्लीन टीथ ऑप्शन सी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग इज यूज टू प्रिपेयर एंटेरिकॉटिंग पोलिथिल ग्लाइकोल फोर हंड्रेड स्टार्च शूगर एस एलोज एस्टेट थलेट आंसर इज ऑप्शन डी सेलोज एसटेट थैलेट है न एंटेरिक पोलिमर नहीं चोलमुगरा ऑयल इज यूज एज एंटीसेप्टिक एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लप्रोसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कॉन्सेंट ऑफ चोलमोगरा ऑयल ग्लिस ऑफ पामिटिक एसिड इंडोलिन एल्कोलोड चोलमुगरिक एसिड या हिडनोकार्पिक एसिड आंसर इज नॉट पूछा आपसे ना केमिकल कॉन्सोट्स नहीं हैं ऑप्शन बी इंडोलिन अल्कोलोइ्स नहीं होते इसमें नेक्स्ट है फॉर ग्लिसराइजर गलाबरा विच फॉल्स अंडर करेक्ट वरायटी डिस्क्रिप्शन तो ये ग्लिसराइजर गलाबरा की वराइटी लिखी हुई है तो करेक्ट बताना है चार ऑप्शन है ग्लिसराइजर गलाबरा वराइटी आ, वियोलेसिया कह रहे कोल्ड स्पेनिश लिकोरिस हैज़ वॉल्ट वॉल्ट फ्लार्स फिर कह रहे ग्लिसराइजर गलाबरा वराय टिपिका कोल्ड परशन लिकोरिस हैज़ ब्राइट रूट स्टोक ग्लिसराइजा गलाबरा वैरायटी टिपिका कोल्ड स्पैनिश लिकोरिस हैज़ पर्पलिश ब्लू कलर फ्लावर या ग्लिसराइज़ा गलाबरा वैरायटी ग्लैंडूली फ्लोरा कोल्ड रशियन लिकोरिस हैज पर्पलिश फ्लावर तो इसमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शन सी वाला है जो टिपिका वाली वैरायटी है ग्लिस गलाबरा की इसे कहते हैं स्पेनिश लिकोरिस इसमें पर्पलिश ब्ल्यू कलर के फ्लावर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका सीड लोगैनिन स्ट्रेक्रिन ब्रोसिन वॉर्मिसिन आंसर क्या है चलो भाई बताओ तो इसमें लिखा नहीं हुआ ग्लाइकोसाइड नक्स वोमिका का तो ये लोगैनिन होता है ना ऑप्शन ए होगा ना हाँ ऑप्शन ए ही होगा लोगैनिन होता है ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है निदर लामन पेल्स रिच इन टर्पीन थायमोल यूजेनॉल मेंथॉल लिमोनिन आंसर इज ऑप्शन डी लिमोनिन लेमन पील इज रिचिन टर्पिनिन ने बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटाइलिस डिजिटलिस पर फैमिली में अंतर दिया हुआ है चारों में लेगमिनोसी स्क्रो मोरेसी ऑपोसाइनेसी बताइए ऑप्शन बी डिजिटाइलिस पर फैमिली हमारी स्क्रो आती है ने तो फॉलोइ मिनरल्स प्रेजेंट सुबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजिटाइलिस प्लांट मैग्नीज़, आरन कॉपर जिंक आंसर इज ऑप्शन ए मैग्नीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज शुगर किड्स टेस्ट बोन ट्राइगर टेस्ट वेगनारियाजेंट टेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी किलर किलियानी टेस्ट होता है डिजिटॉक्सोज शुगर के डिटेक्शन के, के लिए नेक्स्ट बिच अमंग केमिकल कॉन्सटेंट ऑफ अश्वगंधा अलोइन, यूजिनोल विदानोलाइड्स, आर्टिमिस्नीन आंसर इज ऑप्शन सी विदानोलाइड्स। विदायनोलाइट्स कैमिकल कॉन्सेंट्स पार्श्वगंधा विदानोलाइड्स। नेक्स्ट टी लीव्स बिलोंग्स टू फैमिली थिएसी, रूटेसी सोलनेसी अपोसाइनेसी आंसर इज ऑप्शन ए टी लीव्स बिलोंग्स टू फैमिली थिएसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्जिन थियोब्रोमिन स्टिलबेन साइटोक्विन plant growth regulator is auxin option a next the pharmacy council of india was constituted in which year 1949 1948 1947 1915 answer is option a 1949 pharmacy council of india was constituted in 1949 next the following act is associated with कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग एल्कोहल एंड नारकोटिक्स ऑप्शन में डी एन सी एक्ट ड्रगन कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन फोर्टी नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट नाइनटीन एटी फाइव मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव या ड्रगन मैजिक रेमडीज़ जो बैग ऑब्जेक्शनी एडवर्टीजमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर आंसर क्या है ऑप्शन सी तो ऑब्जेक्शन जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव नेक्स्ट है कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द ड्रग इंडस्ट्री एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग लाइक लाइसेंसिंग प्राइस कंट्रोल इंपोर्ट रोल ऑफ फ़ॉरेन सेक्टर क्वालिटी कंट्रोल वॉज हैडेड बाय मुदालियर भाटिया हाथिया भोरे आंसर इज ऑप्शन सी हाथी कमेटी की बात हो रही है नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन कसौली कैलकटा लखनऊ भुवनेश्वर आंसर है हमारा लखनऊ ऑप्शन सी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज़ टेट्रासाइक्लिन साइकिल ग्लीवन क्लेमाइड आई बी प्रोफन आंसर इज ऑप्शन बी ग्लीवन क्लेमाइड शेड्यूल जी में आती है Nisa biologicals are tested at Mumbai, Kolkata, Chennai, Kasauli. Answer is option D, Kasauli. Opium straw include all part except flower, stem, seed, root. Answer is option C, seed. Opium straw include all part except seed. Nisa area of the section to be used as dispensing department shall be not less than. फोर स्क्वायर मीटर सिक्स स्क्वायर मीटर टेन स्क्वायर मीटर या एट स्क्वायर मीटर आंसर इज ऑप्शन बी सिक्स स्क्वायर मीटर नेक्स्ट है हैच वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू बैंड ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग डेंजरस ड्रग या जेनरिक ड्रग आंसर इज ऑप्शन डी जैनरिक ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट और कैप्सूल्स ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग टू हंड्रेड यूनिट डोज 150-unit dose 100-unit dose 250-unit dose answer is option c 100-unit dose nasopineth cells in the mucosa of small intestine secret lysozymes bicarbonate pepsin and raninine answer is option a lysozyme next we have which of the following hormone play a major role in water reabsorption somatostatin relaxin रिलैक्सेसिन ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन आंसर इज ऑप्शन डी वैसोप्रेसिन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन सैरिबेलम मेडुला ओबलोंगाटा हाइपोथैलमस या सैरिब्रम आंसर इज ऑप्शन सी हाइपोथैलमस नेक्स्ट वाट इज सोर्स ऑफ अटीरियल सप्लाई फॉर द आई बोल हाइपोफाइसियल आर्ट्री फेसियल आर्ट्री मैक्सिलरी आर्ट्री ऑपथेलमिक आर्ट्री आंसर इज ऑप्शन फोर ऑप्थेलमिक आर्टरी निस्ट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन सोर्टिंग, लिपिड सोर्टिंग एंड सिक्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय रफ एंडो रेटिकुलम, स्मूथ एंडो रेटिकुलम, गोल्जी गोलजी अपेराटस और परोक्सीसोम्स तो ये जो है काम प्रोटीन सोर्टिंग, लिपिड सोर्टिंग एंड सिक्रेशन इज परफॉर्म बाय गोल्जी अपेराटस निस्स एपिथीलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसलिजम स्क्वामश एपिथीलियम क्यूबॉयल एपीथीलियम सिलिटेड या नन

माओलॉजी सिरोलॉजी एनजियोलॉजी और एंटोलॉजी आंसर इज ऑप्शन सी एनजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज़ कॉल्ड एनजियोलॉजी निज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल एन्वायरमेंट एंड द लंग्स रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, नन आंसर इज ऑप्शन बी एक्सटर्नल कहते हैं इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड लंग्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन Blood pressure knotted in. Inominate artery, femoral artery, iliac artery, brachial artery. Answer is option D, brachial artery. Next, which term refers to the practice of ensuring that patient receives the right medication in the right dose via the right route and at the right time? Medication reconciliation, medication therapy management, medication dispensing, and medication administration. Answer is option D medication administration. Next question which of the following is not a primary role of pharmacist in a community pharmacy setting counseling patients on medication use monitoring for drug interactions providing medical diagnosis or dispensing prescription medications Answer is option C providing medical diagnosis. Next which of the following is not a part of six R of medication administration? राइट डोज राइट हैंड राइट पेशेंट राइट रूट तो नोट में आ जाएगा ऑप्शन बी राइट हैंड नेक्स्ट है अथोराइज स्ट्रक्चरल प्रोग्राम इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूज इज़ टर्म्ड एज ड्रग प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम ड्रग सेफ्टी प्रोसेस एवरीडे ड्रग रिव्यू और ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू आंसर इज ऑप्शन डी डी यू आर ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू सब, वाट इज क्लैडाइन अरेंजमेंट दा, क्लैडास्टाइन अरेंजमेंट क्या होता है ओके तो भाई ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है तो इसको देख लो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के अरे फार्मासिस्ट शुड एंटर इंटू एनी सीक्रेट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद ए फिजिशियन टू तो ऑफर हिम एनी कमीशन और एनी एडवाटेज फॉर बाय रिकमेंडिंग हीज डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर फिर नो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद ए फिजिशन टू ऑफर इम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज बाई रिकमेंडिंग और ब्रांड फिर नो फार्मासट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद ए फिजिशियन टू ऑफर इम एनी कमीशन और एनी एडवाटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर तो आंसर तो देखिए इसका ऑप्शन सी ही होगा है ना बाकी कह रहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट तो ऐसा भी नहीं है तो ऑप्शन सी होगा इसका ना नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड आयरन फिफ्टी नाइन आयोडिन वन थर्टी वन सी ओ मतलब कोबाल सिक्सटी या फोस्फोरस थर्टी टू है ना तो आंसर क्या है ऑप्शन बी आयिन वन थर्टी वन नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज क्वांटिफाई द इम्प्योरटीज डिफ्रेंशिएट द रिएक्ट विद इम्प्योरटीज आंसर इज ऑप्शन ए Limit tests are conducted to detect the presence or absence of impurities. Next, a theory of acid and base to describe acidity and alkalinity rely on exchange of atoms, exchange of protons, exchange of molecules, exchange of electrons. Leavis theory based on exchange of electrons option D. Next, a gadget apparatus is used in the limit test of iron sulfate, arsenic chloride. आंसर इज ऑप्शन सी आर्सनिक के लिए में गजट टेपेरेटस यूज किया जाता है नहीं तो क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नॉन एज इप्सम सॉल्ट ब्लू विट्रीओल ब्लीचिंग पाउडर नन आंसर इज ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नॉन एज ब्लीचिंग पाउडर नहीं सर कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिमोफ एनीवाच एस सी एल सी एस सीओ थ्री आयोडिन आंसर इज ऑप्शन ए एनिव सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई क्या बोलते हैं सोडा नेक्स्ट है आयोडीन टिंक्चर कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन देख लो भाई टू परसेंट आयोडीन टू पॉइंट फोर परसेंट सोडम आइड्राइड फाइव परसेंट आयोडीजन टू पॉइंट फोर परसेंट सोडियम आयोडाइड फाइव परसेंट टेन परसेंट या टेन परसेंट 15% फिफ्टीन परसेंट आयोडीन आइड्राइड टिंक्चर इज अ वेरी वीक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन है ना तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए होगा टू परसेंट तो इसमें आयोडीन होगा वेट पर वॉल्यूम और टू पॉइंट फाइव परसेंट वेट पर वॉल्यूम हमारा क्या होगा सोडियम आयोडाइड नेक्स्ट है इनऑर्गैनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड या नन इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट इज अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन ए नेक्स्ट है बॉडी फ्लूड फाउंड विद इन द सेल इज़ कॉल्ड प्लाज्मा एक्स्ट्रासेलर फ्लूड इंट्रासेलर फ्लूड इंट्रास्टिशियल फ्लूड आंसर इज ऑप्शन सी इंट्रासेलर फ्लूड नेक्स्ट है वन परसेंट वेट पर वेट डेक्सट्रोज का मतलब बताना है आपने वन परसेंट वेट पर वेट है ध्यान से पढ़ो वन ग्राम डेक्सट्रोज इन हंड्रेड ग्राम प्रोडक्ट वन ग्राम डेक्सट्रोज इन हंड्रेड एम एल ऑफ प्रोडक्ट वन मोल इन हंड्रेड एम एल इन नन आंसर क्या होगा ऑप्शन ए वन ग्राम डेक्सट्रोज होगा हंड्रेड ग्राम ऑफ प्रोडक्ट ओके नेक्स्ट है मेल ऑर्डर बिजनेस इज रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट होलसेल ट्रेड डायरेक्ट सेलिंग मैथड रिटेल ट्रेड आंसर इज ऑप्शन ए मेल ऑर्डर बिजनेस इज रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट नेक्स्ट सेवन एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड पब्लिक कॉपरेशन, पब्लिक कंपनी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट कंपनी आंसर इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी होगा गवर्नमेंट कंपनी है ना शेयर ऑफ़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ़ द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट कंपनी होगा मल्टीपल टाइप ऑफ ऑफ गुड्स मल्टीपल शॉप डील्स इन ऑप्शन थ्री हो जाएगा स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स हाउ डज एनसाइक्लोस्टोमा डिंगल इन्फेक्शन आकर फूड बोर्न मतलब कि फूड से होता है एयर बोर्न है वाटर बोर्न है या पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन है कौन से टाइप का है तो पेनिट्रेशन थोड़ा स्किन से पेनिट्रेट होता है ये है ना एंसाइक्लोस्टोमा डिओनल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन पोलियो प्लेग टाइफ नन आंसर इज ऑप्शन ए पोलियो वायरल इन्फेक्शन है नेक्स्ट है डिप्थीरिया अफेक्ट मोस्ट कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रेन इंटेस्टाइन किडनी आंसर क्या है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑप्शन ए नेक्स्ट है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज प्लाज्मोडियम विवैक्स प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम प्लाज्मोडियम मलेरी आंसर इज ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम विवैक्स कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज प्लाज्मोडियम विवैक्स पैरासिटिक डिजीज़ टाइफॉइड राउंड वोम पोलियो हिपेटाइटिस आंसर इज ऑप्शन बी राउंड वोम पैरासिटिक डिजीज में आएगा राउंड वोम नेक्स्ट अमीबियासिस इज पैरासिटिक डिजीज वायरल डिजीज बैक्टीरियल डिजीज नन अमीबियासिस क्या है पैरासिटिक डिजीज ऑप्शन ए नेक्स्ट है मॉस्किटो ट्रांसमिट टाइफॉइड स्कीबीज कालाजार मलेरिया मॉस्कीटो ट्रांसमिट ऑप्शन डी मलेरिया नेक्स्ट कंटेजियस डिजीज इज टाइफॉइड स्कीबीज डायरिया नन कंटेजियस डिजीज ऑप्शन बी स्कीबीज नेक्स्ट है वूपिंग कफ इफेक्ट वुमेन मैन चिल्ड चाइल्डहुड नन वूपिंग कफ पर टूसिस जो होता है क्या अफेक्ट करता है चाइल्डहुड नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू पेरेंट्रल रूट सेक्सुअल रूट मदर टू चाइल्ड या ओल्ड आंसर इज ऑप्शन डी सारे ही रूट से ट्रांसमिट होता है बी ओके okay? तो ये हो गए हंड्रेड क्वेश्चन तो देखो भाई कितने क्या क्वेश्चन बने हैं आपके है ना तो बिल्कुल आ, सही सही बताना कितने बच्चों के मतलब कि हंड्रेड में से कितने आपके क्वेश्चंस बनते हैं ओके तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ओके थैंक यू